प्रांजल शुरू से इस काम में इन्वॉल्व रहा है मेरे साथ। प्रांजल दक्ष से नफरत करता है पापा जी, और ये बात तो दक्ष भी जानता है। आप पूछिए दक्ष से। दक्ष, ये सही मौका है, बता दो प्रांजल की असलियत सबके सामने, बताओ। बोलो दक्ष, देव जो कुछ भी कह रहा है वो सच है या झूठ? देव प्रांजल के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो तुम्हें जो कहा है करने के लिए वही करना, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो सब झूठ है। देव क्या सच है क्या झूठ है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने तजुर्बे से यह समझ चुका हूं कि असलियत क्या है। उसके लिए मुझे अपने बेटों से पूछने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा इस घर की तरफ नजर उठा के देखने की जरूरत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत के कगार पे खड़ी है। इसी वक्त इस घर को छोड़ के निकल जाओ। इसी ने डॉक्टर साहब से कहा था कि बचा लो मेरे बेटे को चाहे मेरी बीवी मर जाए, क्योंकि इसकी नजर उस 25% हिस्से पर। इसी की वजह से हमारी बेटी जानवी का ट्रीटमेंट वक्त पर शुरू नहीं हो सका। आइंदा कभी मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जुबान से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे एक माँ की हाय लगेगी, तू कभी सुखी नहीं होगा, तेरा हमेशा बुरा ही होगा। तू एक माँ की हाय को जानता नहीं, चला जा यहाँ से, चला जाओ। सुषमा चलो यहाँ से, इस वक्त अस्पताल में जाना बहुत जरूरी है, चलो। अरे माता जी, हाय तो अब मेरी पड़ेगी इस खानदान को। बदला लूंगा एक एक थप्पड़ का। आज के बाद जागीरदार खानदान को चैन से नहीं रहने दूंगा मैं, ये देव का वादा है। मैंने ये कहने के लिए आप सबको यहां बुलाया है कि जानवी के पास अब वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मेडिकल साइंस में कोई तो ट्रीटमेंट होगी। मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। अब हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अब एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट की जान बचाना। क्या कर रहे हो तुम? ये देव का गुस्सा डॉक्टर साहब पर उतार रहे हो। मां मेरी बहन जिंदगी से लड़ रही है और आप कुछ करने के बजाय कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो बंद कर दीजिए इस हॉस्पिटल को। आई एम सॉरी मिस्टर दक्ष, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। मैं जानवी को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा उसे। हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं प्रांजल बोल रहा हूं। अपने आप को संभालो प्रांजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हम जानवी से मिल सकते हैं? जी हाँ, इसीलिए तो मैंने आप सबको यहां बुलाया है ताकि जानवी को आप आखिरी बार देख सकें। मम्मी जी, घर में जो कुछ भी हुआ वो आप जानवी को मत बताना प्लीज। माँ। हाँ बेटा, बोलो। मुझे इस हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी? मैं तो यहाँ और भी बीमार हो गई। देव कहाँ है? वो मुझे देखने क्यों नहीं आया? उसे पता है ना कि आप सब यहाँ आए, तो वो क्यों नहीं आया? माँ बेटा, मैंने उसे
ऑफिस के काम की वजह से शहर से बाहर भेजा है। आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो। और डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बोलना नहीं है तुमने, ठीक है? डैडी, आपने जिंदगी भर हमें यही सीख दी कि कभी झूठ मत बोलना। और आपको पता है, आप जब झूठ बोलते हैं ना तो पकड़े जाते हैं। पकड़े गए ना आज? अब चुप कर। और हाँ, डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा बोलना मत, आराम कर। माँ, मैं कम बातें कैसे करूं? मेरी बातों के लिए तो जिंदगी कम पड़ गई। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती, मैं जी भर के जीना चाहती हूं। भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए भाभी ढूंढ लो, वरना देर हो जाएगी। देखा, हो गई ना देर? अभी देर नहीं हुई है जानवी, मैंने तुम्हारे लिए भाभी पसंद कर ली है। अब तो मेरी शादी होने वाली है। शादी का कितना सारा काम करना है, कितनी सारी तैयारियां करनी है, और ये सब तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा जानवी? आप सच कह रहे हैं भैया? कौन है लड़की? वही ना, सांता क्रूज वाले मिस्टर गांधी की बेटी। मैं जानती थी, मुझे पहले से ही वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। भैया, आपने वो शेरवानी पहनी कि नहीं जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? मुझे पता था मेरे बिना कोई काम नहीं होता। जाइए, अब वो शेरवानी पहन के आइए, मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी फिटिंग कैसी है। जाइए ना भैया। अभी? पता नहीं फिर मैं भैया को दूल्हे के लिबास में देख पाऊंगी कि नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। अरे, आप अभी तक यहीं खड़े? जाइए ना, वो शेरवानी पहन के आइए। और अगर आपको आने में देर हो गई तो ये मत कहना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया। जाइए। लगता है ऑफिस में बहुत काम है, और देव भी नहीं आया। वो इतना बिजी है क्या? उसे कहा नहीं आपने कि वो यहाँ आए? मैंने उसे बुलाया है, वो आता ही होगा। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, उनको आराम करने दीजिए। भाभी, आप यहीं रुकिए। भाभी, मैं जानती हूं आप दक्ष भैया से बहुत प्यार करती हैं, और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं ये भी जानती हूं कि आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, लेकिन आप पे एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूं। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप दक्ष भैया की शादी करवाएंगी। करवाएंगी ना? वादा है जानवी।
भाभी, तक्ष भैया से जो भी लड़की शादी करेगी वो कितनी खुश नसीब होगी ना। भाभी, मुझसे एक और वादा कीजिए कि जब मैं मर जाऊंगी तो आप मुझे सजाएंगी। मैं सुहागन के रूप में मरना चाहती हूँ भाभी। आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगी ना? कहिए ना भाभी, करेंगी ना? अब तुम आराम करो जानवी। भाभी, मैं जानती हूँ आप देव को पसंद नहीं करती, लेकिन देव मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती कि अगले जन्म में भी देव ही मुझे पति के रूप में मिले। जानवी, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो। भाभी, मुझे दक्ष भैया की शादी देखनी है, मुझे मुझे मेरी भाभी देखनी है। भाभी, मैं दक्ष भैया की शादी देख पाऊंगी ना? मुझे दक्ष भैया की शादी देखनी है। मैं ये शेरवानी जिंदगी में कभी पहनना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए जानवी। प्रांजल, मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। जानवी शादी का छोड़ा पहनना चाहती है, साथ ही साथ वो दक्ष की शादी को महसूस भी करना चाहती है। इसलिए दक्ष को शेरवानी में देखना चाहती है। प्रांजल, हमें जानवी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानवी के लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। जानू, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? देव, आखिर तुम, मैंने सबसे तुम्हारे बारे में पूछा। मुझे पता है ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना जानू। चलो ज्यादा बातें मत करो जानू, तुम तो मुझे छोड़ के जा रही हो। तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे तुम्हारे रहते ही घर से बाहर निकाल दिया। मैं सोचा है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। अब तुम्हारा देव फिर से ड्राइवर बन जाएगा। नहीं, सड़े हुए सफेद कपड़े, सड़ी हुई टोपी। नहीं नहीं देव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम चाहते हो ऐसा ना हो? चाहते हो ना? तो जानू, ये लो, ये पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। इससे पहले तुम्हें कुछ हो जानू, फटाफट इन पेपर पे साइन कर दो। सच बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे देव को कुछ भी नहीं होगा। फिर आ गए यहां पर। गेट आउट, गेट आउट। देखो देखो, तुम्हारे पति की क्या इज्जत है। बेटा जानवी, हम सबको गलत मत समझना। तुम नहीं जानती इस इंसान को। बेटी, तुम्हारी आज जो ये हालत है ना, इसकी वजह ये देव है। इसने तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से शादी की। तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम पर जो हमने 25% प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्सा रखा था, उसकी वजह से इसने डॉक्टर साहब से कहा कि इस बच्चे को बचा लो, चाहे मेरी बीवी मर जाए। तुम्हारा देव ऐसा कर सकता है? अरे, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मेरे डैडी कभी झूठ नहीं बोलते। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। अरे, मर क्यों रही है तू जानवी? मुझे खुशी होती तू जिंदा रहती और तेरे बाप की बर्बादी देखती। चंद्रकांत,
तू और तेरा खानदान आज के बाद खून के आतुर होएगा। राउट, अरे क्या गेट आउट, ये वादा है मेरा, पछताओगे तुम लोग। राउट, दक्ष भैया कहाँ है भाभी? वो बस आते ही होंगे जानवी। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूं, हाँ बस निकल रहा हूं मैं। दक्ष भैया नहीं आए, अब और इंतजार नहीं होता। अरे क्या बेटा? डैडी, हो सके तो देव को माफ कर देना। मैं दिल पे कोई बोझ रखकर जाना नहीं चाहती। प्लीज डैडी, आपने हमेशा मेरी हर इच्छा पूरी की है, मेरी हर जिद पूरी की है आपने। बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया है आपने। एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे आप? बोलिए ना डैडी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे आप? हाँ बेटी, बोलो बेटा। आज तक तुमने कुछ मांगा हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हें ना दिया हो, ऐसा हुआ है? मांगो बेटी, मैं लाके दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मैं जीना चाहती हूँ। जानवी, जानवी मैं आ गया। पलक, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो दक्ष, वरना देर हो जाएगी। जानवी, जानवी!